आली जनाब आशिफ शेख रसी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक, सभी जिम्मेदारान, हमारे मंच पर बैठी हुई हमारी महिला अध्यक्ष यास्मीन सैयद साहबा, महरूम नेसा साहबा, सभी मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम जिम्मेदारान और आज के इस जलसे में आए हुए तमाम ही बुजुर्ग मेरे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जलसा पार्लियामेंट इलेक्शन के ताल्लुक से लिया जा रहा है। आज का ये आखिरी जलसा जो आज मुशर्रत चौक के बीच में रखा गया है, मुझसे पहले तमाम मुकर्ररीन ने अपने अपने अंदाज में आप लोगों को बहुत कुछ समझाया, लेकिन हमारे लिए बात ऐसी है कि शेख रसी साहब के जाने के बाद ये पहला इलेक्शन है जो हम बहुत ही मुश्किल से शेख रसी साहब का पूरा परिवार बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाया है, क्योंकि ये गम ये सदमा हमारे परिवार के लिए कोई मामूली चीज नहीं है, ये पूरे शहर के आवाम जानती है और बहुत ही मुश्किल है उनके बगैर हमारे लिए इलेक्शन में खड़े होना और इलेक्शन में जलसे मीटिंगों में जाना, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमारे परिवार को महसूस होता है कि शेख रसी साहब हमारे बीच, आपके अपने बीच मौजूद है, लेकिन मालेगांव शहर की आवाम शेख रसी साहब को कभी फरामोश नहीं कर सकती। इस बात का एहसास हमारे परिवार को है, क्योंकि जब जब भी आसिफ शेख ने मालेगांव शहर की आवाम को आवाज़ दी है तो मालेगांव शहर की आवाम लब्बैक कहते हुए, जिस तरीके से शेख रसी साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते थे, इसी तरीके से आप लोग आसिफ शेख की आवाज़ पर भी लब्बैक कहते हुए एक साथ जमा हो जाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि शेख रसी साहब आज भी आप लोगों के दिलों में रहते हैं और आप लोगों का साथ हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि आपके बगैर हम इलेक्शन की कोई मुहिम में आपके बगैर पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा साना बचाना रहना है। यह इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है। इंडिया अलायंस की उम्मीदवार शोभाताई बच्चा धुलिया मालेगांव मतदार से वो इलेक्शन लड़ रही है, धुलिया सीट दी गई है उनको, लेकिन हमारा जो फर्ज है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने दो मर्तबा धुलिया की सीट को खोया है, वो हमेशा भाजपा के पाले में, भाजपा के कब्जे में चली गई। आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा शहर कोरोना की महामारी में जूझ रहा था, जिस वक्त हम लोग इस खौफ के साए में जी रहे थे कि पता नहीं आज आए कल हमारे घर से ना कोई कोरोना का पेशेंट निकल जाए, इतना खराब दौर हमारे मालेगांव शहर में चल रहा था कि हर कोई फिक्रमंद था और हर कोई परेशान हाल था, किसी को ऑक्सीजन मिलती थी, किसी को हॉस्पिटल नहीं, किसी को बेड नहीं, तो किसी को दवाई नहीं, किसी को वो इंजेक्शन आता था रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन नहीं होता था, बहुत ही तकलीफों से और बहुत ही खौफ के साए में वो वक्त हम पर गुजरा। उस वक्त यही धुलिया के खासदार सुभाष भामरे साहब ने उधर वहाँ पर ऐलान किया कि मालेगांव का कोई भी पेशेंट धुलिया नहीं आना चाहिए, यह आप लोगों को याद होगा।
तो जो हमारे मालेगांव और हमारे मालेगांव शहर के डॉक्टरों ने, हमारे मालेगांव शहर की डॉक्टर टीम ने, हमारे मालेगांव शहर के हर दवाखाने में हम लोगों ने आसपास के तमाम देहातों के पेशेंटों को यहाँ पर रखा, उनका इलाज किया, उनको अच्छा किया और हमारे डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया लोगों ने अदा किया और हमारे फैजियाब होकर हमारे मालेगांव शहर से गए। तो ये हमारे मालेगांव शहर का ये इखलाकी फर्ज हमारे मालेगांव शहर के डॉक्टरों ने बताया, ये इंसानियत बताया, इंसानियत का तकाजा यही कहता है। लेकिन ये उम्मीदवार बीजेपी का था, ये भाजपा के उम्मीदवार ने हिंदू मुस्लिम किया और हमारे कोविड के पेशेंटों को वहां आने के लिए रोका गया। इसके बाद रेस्ट हाउस में मीटिंग लगी, वो आपके अपने महबूब लीडर ही थे शेख रसी साहब, जो वहां पर उस खासदार का निषेध किया और उनकी मीटिंग में बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको मालेगांव में आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मालेगांव शहर के जब पेशेंट को आप लोग वहां पर आपने मना किया तो आप हमारे यहाँ क्यों आए। तो ये आपके अपने महबूब लीडर का ही जिगर था और आपके बाकी किसी और दीगर पार्टियों के लीडरों ने इस बात पर गौर भी नहीं किया और ना तो ही इस बार मामले में किसी ने कोई जिक्र किया। या आप मालेगांव शहर की आवाम क्या बच्चा बच्चा जानता है। तो ऐसे थे हमारे शेख रसी साहब और ऐसे है हमारे आसिफ शेख, क्योंकि वो अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए वो आखिरी तक हर काम को पाए तकमील तक पहुँचाने का अज्म है। वो शेख रसी साहब अभी गए, लेकिन अभी उनका एक शेर यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी है। मुखालफी चाहे किसी भी तरीके की तो हमारे साथ हर धर्मिया कर ले, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो आवाम के सामने है कि कौन पार्टी के वफादार है, कौन मालेगांव शहर की आवाम के लिए काम करता है, कौन वफादार है और कौन यहाँ पर मालेगांव शहर में कब्जा करने के बाद भी शहर की कोई भी हमदर्दी और आवाम की कोई भी हमदर्दी दिलों में उनके है नहीं। उनको जहाँ भी वक्त मिला, जैसा भी मिला, वो सिर्फ अपने मुफाद की बात करने वाले लोग हैं। आजकल शरीयत बचाना है हमें, और हमें तो शरीयत बचाना है, हमें शहरियत भी बचाना है, हमें हमारा जमहूरी हक का इस्तेमाल करके ये मोदी को और अमित शाह को तड़ीपार करना है। ये हमारा एक मुसलमानों का ये अर्ज है और हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम मालेगांव शहर से भी और तमाम पूरे हिंदुस्तान से ये आवाज आ रही है कि ऐसी सरकार जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, जो शरीयत में मुदाखलत करती है, जो मुसलमानों पर हर एक चीज, हर एक कानून लाकर लाद दे रही है, चाहे वो NRC हो, चाहे वो CAA हो, अजानों पर बोले तो अजानों पर पाबंदी, क्योंकि माइक में अजान नहीं होनी चाहिए, हम क्या खाएं, हम क्या पहने, ट्रिपल तलाक का मामला हो, ऐसे कई अनेक कानून इन्होंने मुसलमानों पर जबरदस्ती लाकर लाद दिया है। तो क्या इन्होंने बीड़ा उठाया है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही सताना है, मुसलमानों को ही ये देश से बाहर निकालना चाहते हैं। इनकी साजिश में ये कामयाब ना हो, इसके लिए हमको हर हाल में हर कीमत पर सेकुलर पार्टी के इंडिया अलायंस की उम्मीदवार शोभा ताई बच्चों को चुन कर लाना है, जिनका निशान पंजा है और बटन नंबर 2 है। देखिए अभी आगे इलेक्शन आते रहेंगे, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है और बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा एक बात आप लोगों को कहना है और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनों को भी कि आप लोग बरोज फिर जब आप लोग वोटिंग सुबह सवेरे उठे तो नमाज फजर अदा करने के बाद आप लोग नाश्ता चाय वगैरह के लफड़े में बिल्कुल मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ उठकर पोलिंग बूथ पर जाकर पहले अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करो। देखिए वो किस तरीके से सता रहे हैं, हमको एक उंगली से सताना है, एक उंगली से सताना नहीं, अपना हक मांगना है, अपना हक मांगना है और हमारे ऊपर जो शैतान नुमा जो एक मुसल्लत किया हुआ है इसको हमको बाहर निकाल के फेंकना है, इसकी सरकार का खात्मा करना है। इसके लिए आप लोगों को बटन नंबर 2
दबाकर आप लोगों को भारी अक्सरियत से, जब ये चीज जब काउंटिंग हो तो जब मालेगांव शहर का नाम आए मेरे भाइयों मेरे अजीजों, तो उस वक्त मालेगांव शहर का नाम आए तो हमारी वोट का परसेंट इतना ज्यादा उन लोगों को नजर आए कि उन लोग भी सोचे कि मालेगांव शहर के मुसलमानों ने वाकई में क्या खूब काम किया, क्योंकि हम जबान के सच्चे हैं और हम ईमान के पक्के लोग हैं, ये हम उनको बता देंगे। बहुत ज़्यादा वक्त की कमी है तो मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों को आसिफ शेख को सुनना है और कुछ स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को देखना है। आप तमाम लोग इस जलसे गांव में आए, आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।